अस्सलामु अलैकुम गेम चेंजर्स। एलोन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा नाम, कौन इस शख्स को नहीं जानता। बहुत से लोग इसे पागल कहते हैं और बहुत से लोग इसे समझदार कहते हैं। इसकी तारीफ कुछ यूं है कि बिल गेट्स ने अपनी सारी जिंदगी में जितने पैसे कमाए, एलोन मस्क ने उतने पैसे सिर्फ एक साल में कमा लिए। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, इसने पिछले ही दिनों ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया है। इसने ट्विटर को कहा कि $50 बिलियन लो और ट्विटर मुझे दे दो। $50 बिलियन बहुत बड़ी रकम है बॉस। एलोन मस्क हमेशा फ्यूचर को देखते हैं, ये आज से 10 साल आगे की सोच रखते हैं। आज से 10 साल बाद दुनिया के बड़े शहरों में आबादी इतनी हो जाएगी कि सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इसने बोरिंग कंपनी बनाई जो सड़कों के नीचे सुरंगों में ट्रैफिक को गुजारा करेगी। फ्यूचर में गाड़ियां जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन से नीचे चला करेंगी। आने वाली जनरेशन बहुत स्मार्ट हो जाएगी, हर कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर चलेगा और इसी वजह से इंटरनेट हर किसी की एक्सेस में करने के लिए इसने स्टारलिंक कंपनी बना दी जो पूरी दुनिया में सुपर फास्ट इंटरनेट की सहूलत देगी। आने वाला दौर रोबोट्स और मशीन का होगा और इनको कंट्रोल करना खासा मुश्किल काम समझा जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए न्यूरालिंक बनाई गई जो ऐसी चिप्स हैं जो इंसान के दिमाग में इंसर्ट की जाएगी और इसी की मदद से मशीनों को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके अलावा स्पेसएक्स और टेस्ला जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ये सब एलोन मस्क के प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्यूचर में पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। और ये कहना गलत ना होगा कि 2030 तक दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल कर रह जाएगी और एलोन मस्क ऐसा करके दिखाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोन मस्क की 8 ऐसी एडवाइसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आपने अपना लिया और इन एडवाइसेस पर अमल करना शुरू कर दिया तो याद रखें, आने वाले वक्त में लोग एक साल में जितना पैसा कमाएंगे आप एक दिन में उतना कमा लोगे। जी हाँ, अगर आप एक दिन में उतना पैसा कमाना चाहते हैं जितना लोग एक साल में कमाते हैं तो इन 8 एडवाइसेस को गौर से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवाइस नंबर 1, फाइनेंशियल IQ। एलोन मस्क अपने बहुत से इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि अगर पैसा कमाना चाहते हो तो अपनी फाइनेंशियल IQ में इजाफा करो। एलोन मस्क कहते हैं कि हमें स्कूल और कॉलेज में भेजा जाता है ताकि डिग्री ली जाए, जॉब की जाए और जॉब से पैसे कमाए जाएं। अब मकसद पैसे कमाना है, लेकिन अफसोस की बात है कि स्कूल और कॉलेज में पैसे के मुतल्लिक एक भी सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें इंटायर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती और यही हमारी बदकिस्मती है। और यही वजह है कि लोग वक्त के साथ साथ अमीर नहीं बल्कि वक्त के साथ साथ गरीब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में 82% लोग पैसे की झंझट में ही जिंदगी गुजार देते हैं और फाइनेंशियल फ्री कभी हो ही नहीं पाते। और इसीलिए दोस्तों, अगर आप जिंदगी में अमीर होना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा गेन करें और इसका बेहतरीन सोर्स फाइनेंस की किताबें हैं। मैंने दुनिया की 5 बेहतरीन किताबें इकट्ठी करके इनका एक सेट बनाया है और लोगों को दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इन्हें पढ़े और हर कोई फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करे और हर कोई अमीर हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अमीर होना चाहते हैं तो इन किताबों को ज़रूर पढ़ें। इन किताबों के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देखें, बुक्स लें और पढ़ें ताकि आपकी ज़िंदगी संवर सके। एडवाइस नंबर 2, कंपाउंडिंग। एलोन मस्क लोगों को दूसरी एडवाइस जो सबसे ज्यादा देते हैं वो है कंपाउंडिंग। और ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कही थी कि दुनिया में कुल 7 अजूबे हैं और 8वां अजूबा कंपाउंडिंग है, अगर कोई उसे समझे तो। कहते हैं कि छोटी चीज़ें कभी भी बड़ा रिजल्ट नहीं देती, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं और लंबे अरसे तक जुड़े रहती हैं तो तब वो बहुत बड़ा रिजल्ट देती हैं। चलिए आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। 2 दोस्त हैं, अली और शुएब। दोनों के सामने ऑफर रखी जाती है कि 10 करोड़ लो या फिर 1 रुपया जो हर दूसरे दिन डबल होता रहेगा 30 दिनों तक। अब शुएब ने कहा कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, 1 रुपए के पीछे कौन बेवकूफ़ जाए। लेकिन अली समझदार था, उसने 1 रुपए को चुना जो हर दूसरे दिन डबल होता जाएगा। अब शुएब ने कहा कि कर दी ना बेवकूफ़ों वाली हरकत, लेकिन अली मुस्कुराता रहा। अली के पास 1 रुपया था जो दूसरे दिन डबल होकर 2 रुपए हो गया, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए, पांचवें दिन 16 रुपए और इसी तरह करते करते 15 दिन बाद अली के पास 32,768 रुपए और शुएब के पास 10 करोड़। लेकिन चलिए आगे चलते हैं।
20 दिनों बाद अली के पास हुए 10 लाख रुपए और शुएब के पास 10 करोड़। 25 दिन बाद अली के पास हो गए 3 करोड़ 35 लाख, लेकिन अभी भी शुएब के पास अली से ज्यादा पैसे हैं। लेकिन जैसे ही 30 दिन होते हैं तो अली के पास हो जाते हैं 107 करोड़ रुपए। हो गए ना हैरान। और यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जो इसको समझ गया वो कामयाब हो गया। अब कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में ही काम नहीं करती, रोजाना की छोटी छोटी आदतें जब लंबे अरसे तक लगातार अपनाई जाती हैं तो वो बहुत बड़ा रिजल्ट देती हैं। जैसा कि किसी अच्छी किताब के एक दिन 5 पेजेस पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जब आप ये 5 पेजेस हर रोज लगातार पढ़ते हैं तो एक साल गुजरने के बाद आप 1825 पेजेस पढ़ चुके होंगे, जो कि तकरीबन 10 अच्छी किताबों के बराबर होते हैं। और यही कंपाउंडिंग है। एडवाइस नंबर 3, मल्टी स्किल्स। दोस्तों, एलोन मस्क कहते हैं कि ये दौर ऐसा आ गया है जहां एक स्किल का मतलब आप गरीबी से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हो। फ्यूचर में दुनिया इतनी तेजी से बदलने वाली है कि आपको अंदाजा भी नहीं है, इसलिए मल्टी स्किल और मल्टी इनकम सोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी स्किल सीखें जो हाईएस्ट पेड हो। गूगल कीजिए, आपको बहुत सी स्किल्स मिल जाएंगी। एलोन मस्क कहते हैं कि आज के ज़्यादातर लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं और फिर बस वो इसी में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और ये कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल ना जाएं, स्कूल जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन साथ साथ अपने अंदर स्किल्स डेवलप करते जाएं। एडवाइस नंबर 4, थिंक टैंक। एलोन मस्क कहते हैं कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। मेरी इंटेलिजेंस के पीछे बहुत से और लोग भी जुड़े हुए हैं। आप अकेले खुद को ज़हीन तरीन नहीं कह सकते, आपके आसपास बेहतरीन लोग होने चाहिए जो आपको बेहतरीन मशवरे दे सकें, मुश्किल से निकलने में आपकी मदद कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे आगे हों तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे ज़्यादा जीनियस और आपसे ज़्यादा तजुर्बेकार हों। इसलिए दोस्तों, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग लाएं जो पहली बात एतबार के काबिल हों और दूसरी बात आपकी फील्ड में आपसे ज़्यादा जानते हों। ऐसे लोगों से सलाह करें, मशवरे लें और उनको समझें और फिर एक्सपीरियंस करके देखें। एडवाइस नंबर 5, एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर दरअसल बिजनेसमैन ही होते हैं जो प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी लेते हैं। ये बिजनेसेस बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उन्हें चलाते हैं और फिर उसे बेच देते हैं और ढेरों पैसे कमाते हैं। इसके लिए आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जॉब में हैं अब तब भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अपने बॉस के पास जाइए और बोलिए कि मैं आपकी सेल्स को 10% तक बढ़ा दूंगा, बदले में आप मुझे कितना दोगे। अपने बॉस के साथ बैठिए और बात कीजिए। कोलगेट कंपनी का एक वाकया बहुत ज़्यादा मशहूर है। एम्प्लॉय ने आकर सीईओ को बोला कि मैं आपकी सेल 15% तक बढ़ा सकता हूँ, बदले में मुझे आप क्या दोगे। डील हो गई, कंपनी ने उसे लाखों रुपए देने का वादा किया। एम्प्लॉय ने सिर्फ इतना कहा कि आप अपनी टूथपेस्ट के मुंह का सुराख थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, आपकी सेल हर महीने 15% बढ़ जाएगी। कंपनी ने ट्राई किया और कुछ महीनों बाद वाकई में कोलगेट की सेल में 16% का इजाफा देखने को मिला। इसलिए बिजनेस के बारे में पढ़िए, सीखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, मार्केटिंग के बारे में जानिए, और यही आने वाला दौर है। एडवाइस नंबर 6, टेक्नोलॉजी। एलोन मस्क कहते हैं कि काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, आने वाला दौर टेक्नोलॉजी से लेस होगा। आज आप ऑनलाइन स्टोर ओपन करके पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में घर बैठकर चीज़ें बेच सकते हैं। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं कि सर ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। हालांकि ऑनलाइन अर्निंग पर हज़ारों लाखों ब्लॉग्स लिखे जा चुके हैं, हज़ारों वीडियोस बन चुकी हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, और आप अभी भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। इसलिए दोस्त, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाएं और अपना कैरियर बनाएं। एडवाइस नंबर 7, विन। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में सोच ही लिया है कि कुछ करना है तो क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए, क्यों ना आसमान में उड़ान भरी जाए। आपका विजन जितना बड़ा होगा आप उतने ही बड़े इंसान बनोगे, इसलिए आपके पास विजन ज़रूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सांस क्यों ले रहे हैं, आप हर रोज़ सुबह उठ क्यों रहे हैं, आप हर रोज़ काम क्यों कर रहे हैं। एलोन मस्क कहते हैं अगर आपके पास विजन ही नहीं होगा तो आप एक्शन कैसे लोगे, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे कुछ बड़ा करोगे। एडवाइस नंबर 8, पेशेंस।
जी हाँ सबर, वो कहते हैं ना कि सबर का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए जो लगातार मेहनत करता है और सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ता सिर्फ वही कामयाब होता है। लोग चंद महीनों में अरबपति होना चाहते हैं और जब चंद महीनों तक वो मेहनत करते हैं और ऐसा नहीं होता तो तब वो गिव अप कर देते हैं। और अगर ज़िंदगी में वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके अंदर कम अज़ कम 3 से 5 साल का पेशेंस होना चाहिए। अगर आप रोज़ाना 14 से 18 घंटे काम करते हैं, अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं और साथ में सब्र रखते हैं तो आप एक दिन ज़रूर अपने मकसद को हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 8 एडवाइसेस जो एलोन मस्क ने दुनिया को दी हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।